साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपको बुक है उसमें मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी करा रखा है, यूनिट एंड डायमेंशन करा रखा है, फोर्स करा रखा है जी, लीवर एंड पुली करा रखा है, उसके बाद सेंटर ऑफ मास करा रखा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के मैंने लेक्चर करा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मैंने डिटेल में बनाए हैं क्या कि इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट को भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट नंबर सिस्टम करा रखे हैं, उसके बाद मैं डायोड उसमें स्टार्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं हीट एंड टेम्परेचर कवर कर रहा हूँ, तो हीट एंड टेम्परेचर से पहले मैंने पुली कवर कर रखा है जी। हीट एंड टेम्परेचर में हमने क्या किया था, कल टेम्परेचर कन्वर्जन सीख लिया था जी। अब क्या है जी, हम लोग हीट एंड टेम्परेचर में थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ रखा था। थर्मल एक्सपेंशन हमने कितने प्रकार के पढ़ा था जी, तो थर्मल एक्सपेंशन हमने तीन प्रकार का पढ़ा था, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, तीन तरह के हुए थे जिसमें बोल रहा है किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होता है। ठीक है जी, कहीं भी क्या होता है, तीनों में परिवर्तन होता है। एफ क्या जी, फाइनल है, आई क्या है, इनिशियल है, थीटा क्या है, अंतर है, तापमान में अंतर को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। एल एफ बराबर एल आई प्लस वन प्लस अल्फा थीटा टी। देखिए एल एफ का मतलब क्या है जी, फाइनल लेंथ है, इक्वल टू एल आई का मतलब क्या है जी, इनिशियल लेंथ है, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मान लीजिए जो भी इनिशियल टेम्परेचर था, मान लीजिए मेरे पास टेम्परेचर क्या था जी, टी आई था, उस पर लेंथ क्या था, एल आई था, इनिशियल लेंथ था इनिशियल टेम्परेचर पर। मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर कुछ हो गया, उस फाइनल टेम्परेचर पर लेंथ क्या था जी, एल एफ था, फाइनल लेंथ था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इस टेम्परेचर को, मान लेते अगर एग्जांपल के लिए अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है, तो हम इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे जी, एल एफ, इसका भी लेंथ दिया होगा 5 मीटर 6 मीटर जैसे भी, उसको हम लिख लेंगे एल एफ एल आई मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा तो हमारा कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो जाएगी, 20 अल्फा डेल्टा टी मतलब 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा जी। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे समझ रखा था कि एल एफ एल आई और थीटा अल्फा क्या है जी, अल्फा मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का एसआई मात्रक क्या है जी, एसआई मात्रक होता है केल्विन इनवर्स, क्योंकि इससे पहले जो हम यूनिट डायमेंशन पढ़े थे तो वहाँ पे भी याद होगा कि हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया था पी वी इजकल टू एन आर टी, जिसमें आपको पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर कुछ समथिंग दिया था, वॉल्यूम प्लस बी एन आर टी था, तो हमने इसका यूनिट निकाला था। वैसे देखो हमको इसका अगर यूनिट निकालना है किसका जी, अल्फा का निकालना है, तो अल्फा का यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे जी, तो अल्फा का देखो जी, एल एफ बराबर एल आई वन प्लस अल्फा डेल्टा टी है। तो देखो यहाँ पे वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है, तो अल्फा है, तो यहाँ पे यूनिट वन है, इसका मतलब क्या है जी, कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ अल्फा थीटा भी क्या होना चाहिए, अल्फा और थीटा की मल्टीप्लाई भी कोई यूनिट नहीं आना चाहिए। तो देखो अल्फा का क्या है जी, तो टेम्परेचर का माइनस करके क्या होगा, टेम्परेचर ही होगा, तो टेम्परेचर इसका मतलब क्या है जी, ये टेम्परेचर केल्विन में रहेगा, तो इसका क्या होना चाहिए, वन अपॉन केल्विन होना चाहिए, जिसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा का क्या हो जाएगा, वन अपॉन केल्विन, वन अपॉन केल्विन का मतलब क्या हो जाएगा जी, केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं, अल्फा के लिए होगा यूनिट और थीटा के लिए क्या होता है, केल्विन इनवर्स होता है। तो यहाँ सब समझ सकते हैं कि क्या है जी, ठीक है। तो अब देखिए बोला कि अल्फा बीटा और गामा का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन इनवर्स होता है, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर क्या होता है, 1:2:3 होता है। गर्मी के दिनों में पटरियाँ फैलकर टूटी हो जाती है, लेकिन इसे बचने के लिए पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, हमने कल डिस्कस कर रखा जाए। ऑटो कटना मैंने बता रखा था, इलेक्ट्रिक आयरन में होता था, अगर किसी धातु पर छेद करने पर चलने का आकार बढ़ जाता है, बोल रहा कि क्या है, छेद का आकार भी क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये कोई होल है, ठीक है जी, एक्सटर्नल है, ये इंटरनल पार्ट है, मान लो ऐसा कोई है, तो इसका मतलब क्या है जी, इसमें जो होल है वो क्या होगा, गर्म करने में क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ये होल भी बढ़ेगा, ये वाला भी पार्ट इधर बढ़ेगा और ये वाला भी पार्ट इधर बढ़ेगा, तो इसका होल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्या है जी, ये मेरा एरिया एक्सपेंशन हो रहा है, टू डायमेंशन एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार हो जाएगा, तो हमारे क्षेत्रीय प्रसार के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या लेंगे जी, बीटा लेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा लेंगे, आयतन प्रसार गुणांक क्या लेंगे, गामा लेंगे, अल्फा बीटा गामा होता है जी, अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है, 1:2:3 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, अल्फा
इस टू बीटा पूछा जा सकता है। देखिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है अल्फा बीटा बताइए या बीटा गामा का रेशियो बताइए। तो हमको जब याद रहेगा कि अल्फा बीटा क्या होता है 1:2 होता है, बीटा गामा क्या होता है 2:3 होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा हमसे क्या पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। अगर किसी धातु के चक्ति में छेद हो तो गर्म करने पर क्या होता है, चक्ति का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान 5x केल्विन इनवर्स हो तो आयतन प्रसार गुणांक का मान क्या होगा। अल्फा बीटा गामा क्या है जी, 1:2:3 है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान बोल रहा है इतना है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान क्या है जी बीटा का मान बोला इतना है। तो आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है 5x केल्विन इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन क्या बोला, अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान यानी क्षेत्रीय प्रसार क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, मान इतना है तो आयतन प्रसार गुणांक बोले। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या दिया हुआ है जी, हमको ये दिया हुआ है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब बीटा दिया हुआ है, क्या दिया है जी 5x केल्विन इनवर्स दिया है। ठीक है जी, हमको निकालना है गामा यानी आयतन प्रसार गुणांक क्या है जी गामा है। आयतन प्रसार गुणांक गामा है, हमको पता है बीटा अपॉन गामा क्या होता है 2:3 होता है। तो बीटा का वैल्यू क्या है जी, अब हम बीटा की वैल्यू हमको दिया है 5x केल्विन इनवर्स रख देंगे, 5x बीटा की वैल्यू गामा बराबर 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, गामा बराबर 15x/2 तो क्या मिलेगा 7.5x। गामा की वैल्यू क्या मिलेगा 7.5x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5x और यूनिट क्या होता है तो केल्विन इनवर्स होता है, तो केल्विन इनवर्स लिख देंगे तो आंसर मेरा आ गया। तो ऐसे भी हमको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अल्फा दे दिया है बीटा दे दिया जाए उसको क्या, जब हमको रेशियो पता रहेगा तो क्या करेंगे जी हम खुद पता कर लेंगे कि हमको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। देखिए हमको पढ़ना है आगे ये जल का आयतन क्या होता है जी, न्यूनतम कहाँ होता है, जल का आयतन न्यूनतम क्या होता है। हमने रट रखा है जी 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमने रट रखा है, क्या क्या रखा है जी, तो जल का आयतन क्या होता है न्यूनतम कहाँ होता है तो चार डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है जी न्यूनतम होता है। देखिए अगर आयतन ये वाली कर्व है, आयतन क्या है जी वह ये वाटर, देखिए इससे पहले क्या है जी बर्फ है, इसके बाद क्या हो रहा है पानी हो जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है पानी हो जा रहा है, उसके बाद आगे जाके क्या हो जाएगा वेपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अब बर्फ था तो उसका क्या था जी वॉल्यूम बर्फ में ज़्यादा होता है, पानी में क्या होता है घटता है, और कहाँ तक घटता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद भी क्या हो जाएगा, उसके बाद जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, पानी का आयतन क्या होगा जी, तो वाटर का है वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी 4 पे हम बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है जी वाटर का जो आयतन होता है क्या होता है न्यूनतम होता है। तो आयतन क्या होता है न्यूनतम होता है। एक कर्व याद रखिएगा जी, ये क्या है वॉल्यूम है, आयतन और टेम्परेचर के बीच क्या है जी कर्व है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जाएंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि बर्फ बनेगा तो क्या हो जाएगा जी बर्फ का टेम्परेचर यदि वॉल्यूम क्या होता है ज़्यादा होता है। इसके बाद है कि इसके बाद वाटर क्या होगा जी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर पानी का भी क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा जी। तो यहाँ से बोल सकते हैं, तो यानी ये कह सकते हैं कि न्यूनतम कहाँ रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का आयतन -4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है न्यूनतम होता है। जल का घनत्व क्या होता है जी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अब आयतन यहाँ पर न्यूनतम है, अब तो देखिए घनत्व बराबर क्या होता है जी डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम में क्या है न्यूनतम है यानी सबसे लो है, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी ज़्यादा रहेगा ना जी इस पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम क्या है लो है तो क्या हो जाएगा डेंसिटी क्या होगा हाई होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है जी वॉल्यूम कम था तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मास तो वही है वॉल्यूम क्या हो रहा था कम हो रहा था। तो ये घन डेंसिटी का क्या हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों कर्व याद रखेंगे जी, वॉल्यूम के लिए क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, डेंसिटी में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है वॉल्यूम अगर 2 रखेंगे मान लीजिए एक बार वॉल्यूम 2 रखे तो m/2 किए, एक बार वॉल्यूम अगर 10 रखे तो क्या हो जाएगा जी डेंसिटी घट गया ना, जब वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या डेंसिटी घट गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेंसिटी जैसे हमने टेम्परेचर यहाँ वॉल्यूम क्या है जी न्यूनतम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्लियर हैं जी, ये 2 पॉइंट हमने क्लियर कर रखा है। बोला है अगर जल में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो पहले आयतन घटता है। ठीक है अब बोला है कि क्वेश्चन आता है कि 2 डिग्री से अगर 6 डिग्री तक गर्म किया जाएगा जल को, तो चलिए जी 2 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होगा यहाँ कहीं होगा 0 और 2 के बीच, तो इसका मतलब क्या होगा वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है घट रहा है, उसके बाद क्या होगा वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ही बोला है 2 से 6 डिग्री तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, हम इतना याद रखेंगे जी कि 4 पे क्या होता है 4 पे क्या होता है लो होता है, तो 2 से क्या होगा जी घटेगा फिर से क्या होगा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा घटेगा तब ना लो होगा, इसके बाद बढ़ेगा क्या हो जाएगा घटेगा बढ़ेगा, तो क्या हो गया पहले आयतन घटता है फिर से न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ता है जी। जल
अगर जल को 2 से 4 डिग्री 6 डिग्री तक गर्म किया जाए तो पहले घनत्व, अच्छा जी, अब घनत्व में हो जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, घनत्व में होगा तो क्या हो जाएगा, दो यहाँ का रहेगा तो पहले बढ़ेगा फिर से क्या हो जाएगा घटेगा, यहाँ तक घनत्व रहा। कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या आना है जी, अगर मान लीजिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है जल को तो क्या होगा। देखिए हमको पता है कि न्यूनतम वॉल्यूम कहाँ होता है जी, 4 पे वॉल्यूम होता है, 10 डिग्री का इधर होगा टेम्परेचर तो 10 डिग्री से क्या होगा पहले घटेगा फिर से होगा -20 पे क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पहले घटेगा फिर से बढ़ेगा ऐसे हम कह सकते हैं। तो हमको क्लियर है जी क्या है जी टेम्परेचर, हम बस इस फिगर को हम याद रखेंगे उसके बाद क्या होगा हमारा सारा सॉल्यूशन याद हो जाएगा। तो देखिए इस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा जी, बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी क्या करता है कि ज़्यादा दे देता है टेम्परेचर हाई करके देता है, कभी टेम्परेचर क्या करता है लो करके देता है, तो दोनों को हमको याद रखना है। नोट, बर्फ के पिघलने के बाद आयतन घटता है, बोला है बर्फ के पिघलने के बाद, देखिए बर्फ का क्या था जी हमने फिगर में देखा था कि जब 4 डिग्री से कम था तो वो क्या था वॉल्यूम ज़्यादा था, तो वॉल्यूम था इसका 4 पे जो क्या होगा पानी में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा घट जाएगा। अगर किसी ग्लास में पानी और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए, ठीक है जी, बोला है कोई ग्लास का टुकड़ा, ग्लास है जी वाटर, इसमें इसमें बर्फ का टुकड़ा डालिएगा तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोल रहा है देखो जी अब क्या है कि ये पूरा वाटर आइस है तो आइस ऊपर रहेगा, थोड़ा सा क्या होगा इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा जी कम होता है, हमने दिखा था कि इसका वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है डेंसिटी क्या होता है कम होता है, जैसे डेंसिटी कम रहेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर रहेगा। अब मान लीजिए इसको पिघलना स्टार्ट होता है तो पिघलना स्टार्ट करेगा तो वाटर लेवल यही है ना, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम जो कम होगा इतना ही कम होगा, 1/10 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो 9/10 क्या करेगा कवर कर लेगा, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का लेवल चेंज नहीं होगा। तो ही बोला अगर किसी ग्लास में पानी में उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी में आयतन कोई परिवर्तन होगा, तो ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है जी ये 1/10 जो था वो पिघला है लेकिन ये पूरे पिघलने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो गया 9/10 हो गया, तो इसी लेयर में केवल रह गया पूरा का पूरा इस हमारा आइस का जो वाटर कन्वर्ट हुआ था, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या है जी लेयर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पानी का घनत्व कितना होता है जी तो 1000 kg/3, बर्फ का घनत्व क्या होता है तो 900 kg/3 होता है जी। देखो यहाँ से भी पता चल सकता है कि 9 का क्या है जी बर्फ का क्या है कम है, पानी का घनत्व क्या है ज़्यादा है, तो ये कितना पे लिया गया है जी, ठीक है यहाँ पे हम समझ लिया। आगे बढ़ें, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में जहाँ पानी बर्फ बन जाता है, सतह पर झील पे पानी बर्फ बन जाता है, निचली सतह पे तापमान क्या होता है मान लीजिए, देखिए अब क्या है मान लीजिए बहुत सारा ऐसा बर्फीला एरिया है वहाँ पे ऊपर क्या होगा बर्फ बन जाएगा लेकिन नीचे क्या रहेगा वाटर नहीं रहता है ना, तो नीचे वाटर रहेगा तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो नीचे तो 4 डिग्री ऊपर क्या है 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस पर क्या है ऊपर बर्फ बना है नीचे क्या है वाटर है। मैं बोला यदि ठंड प्रदेश में जहाँ पानी बर्फ बन जाता है, ऊपरी सतह के झीलों में पानी बर्फ बन जाता है जबकि निचले सतह पर तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अत्यधिक ठंड प्रदेशों में जहाँ पानी बर्फ बन जाता है, अत्यधिक ठंड प्रदेश में जहाँ पानी बर्फ बन जाता है जबकि वहाँ पानी की पाइप फट जाती है। अब देखिए अब इसके लिए वो कह रहा है कि जो मेरा वाटर पाइप है ये है मान लीजिए यहाँ पे तो वाटर जा रहा है तो पूरा वाटर जा रहा है, अब अगर कूलिंग होगा, कूलिंग होगा तो क्या होगा आइस होगा, तो जब इसे आइस होगा तो क्या होगा मैंने बताया था कि जो वाटर था वो आइस होने के बाद क्या होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अब देखिए इसका वॉल्यूम मान लीजिए इतना बढ़ना चाह रहा है, इतना वॉल्यूम बढ़ना चाह रहा है तो ये तो वॉल्यूम बढ़ने देगा नहीं तो क्या होगा इस पाइप को फटना पड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब ठंडा तो होना ही क्योंकि टेम्परेचर क्या है जी हाई टेम्परेचर, हाई जहाँ का एल्टीट्यूड हाई है यानी पहाड़ों पे तो वहाँ टेम्परेचर तो कम होना ही है, तो टेम्परेचर होगा ही तो टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा पाइप को फटना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है पाइप फट जाता है जी। खाद्य पदार्थों का रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रखा जाता है, अब बोला कि खाद्य पदार्थों को कितने डिग्री सेंटीग्रेड का रखा जाता है जी तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है। अच्छा उष्मा संचरण की विधि क्या है, उष्मा संचरण की 3 विधि है कौन कौन से जी कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, उसमें संचरण की कौन कौन सी विधि है 3 विधि है जी कौन कौन सा है तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, फर्स्ट है कंडक्शन, यह उष्मा संचरण की वह विधि है जहां उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं के गति के कारण होता है। बोला देखिए जी कंडक्शन होता है तो बोल रहा है कि कंडक्शन कैसे होता है, जैसे इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है जी इलेक्ट्रॉन सॉरी हीट, यहाँ पे आप टेम्परेचर की बात करें करंट की बात नहीं करें जी, तो देखिए दोनों में फ़र्क है, मान लीजिए हीट यहाँ से एक मेरा रड है जी, एक मेरा रड है यहाँ पे मैंने हीट किया
तो यहाँ से हीट करते हैं तो क्या होता है जी, यहाँ पे हीट देते हैं तो क्या होता है, ये हीट क्या होता है इधर जाता है जी, इधर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ए वाला रड जो है यहाँ का जो पार्ट एटम है वो यहाँ जाता है, वो ये एटम नहीं जाता, ये बगल वाले को ट्रांसफर कर देता है, ये इसको ट्रांसफर कर देता है, ये इसको ट्रांसफर, ऐसे ही हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन ये अपना जो एटम है यहीं पर रहता है, ये एटम चेंज अपना पोजिशन चेंज नहीं करता, लेकिन हीट क्या करता है ट्रांसफर कर देता है, या इसे करके हीट यहाँ पर चला आता है, लेकिन इसका एक्चुअल मोशन नहीं होता इस एटम का। तो वही बोल रहा है कि यह संचरण की वह विधि है जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं के गति के कारण होता है। तो अणु का गति ने तो मूव नहीं किया जी, तो अणु का गति मूव नहीं किया किया तो इसको क्या बोलेंगे जी, इसको कंडक्शन बोलेंगे। यही समझने वाली बात थी। अब आती है कि बोला कि सभी ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो सभी ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है जी, तो कंडक्शन के द्वारा होता है। अब आता है कन्वेक्शन द्वारा। देखिए इसीलिए मैंने जो एग्जांपल भी लिया था क्या था, कन्वेक्शन में एक सॉलिड लिया था। अब कन्वेक्शन की बात होती है, कन्वेक्शन यानी सम्मोहन। सम्मोहन क्या है जी, इसमें क्या होता है जो आपका गैस होता है उसमें होता है, ठीक है जी। देखिए इसमें बोल रहा है सम्मोहन ऊष्मा संचरण की वह विधि जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है, अणुओं की गति के कारण होता है। इसका मतलब देखिए क्या है जी, अगर मान ली मेरा के ये ऑयल है या मिल्क है, ठीक है, इसको अगर हीट कीजिएगा, इसको हीट कीजिएगा, अगर नीचे से हीट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए बर्तन है तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो गर्म होगा ऑयल, ये गर्म ऑयल क्या दे जाएगा ऊपर जाएगा, या मिल्क क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है जी, ये मिल्क ऊपर जाएगा और ये यहाँ रहेगा, फिर से जो ऊपर ठंडा था वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, फिर से वो क्या होगा हीट होगा ऊपर चला जाएगा, फिर से जो ठंडा रहेगा वो नीचे आएगा और जो हीट हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है पूरा। क्या होता है जी, जो ऑयल और मिल्क है क्या हो जाएगा हीट होता है। तो इस प्रोसेस से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो अणु है उसको क्या हो रहा है जी, एक स्थान से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। तो ही बोला ऊष्मा संचरण की वह विधि जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। तो ये अणु के गति के कारण क्या हो रहा है जी, ऊष्मा का संचरण हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं तो सम्मोहन बोलते हैं। द्रव या गैस के ऊष्मा का संचरण इस विधि द्वारा होता है। देखिए द्रव था हमारा ऑयल और मिल्क क्या था जी, लिक्विड था। अब अगर मान लीजिए गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ में क्या है जी, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है जो भी गैस होता है या और गैस पार्टिकल होते क्या होता है, हीट होता है तो क्या होता है ऊपर जाता है, हीट होकर क्या होता है ऊपर जाता है, और जो ऊपर ठंडा रहता है क्या होता है नीचे आता है, ठीक है जी। देखिए ऐसे होता है एक्चुअली, यहाँ पे जाएगा ये मान लीजिए मेरा इक्वेटर है, इक्वेटर से क्या होता है ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा क्या होता है जी, जब ठंडा होगा तो नीचे आएगा, गर्म होगा तो कहाँ आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऐसे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन विकिरण यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर या माध्यम के बिना भी गर्म किए होता है, यह विधि विकिरण कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, रेडिएशन में क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको मीडियम चाहिए, लेकिन अगर मीडियम है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस अगर यहाँ से उसमें जाना है जी, यहाँ तक, यहाँ कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि है जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम है, माध्यम के रहने के, और माध्यम को बिना गर्म किए। अब देखिए अब माध्यम है यहाँ से यहाँ है, इसमें क्या करना है जी, हीट नहीं, इसको गर्म नहीं करना है, उसको क्या बोलेंगे विकिरण बोलेंगे, यह विधि विकिरण। ये अगर यहाँ पे माध्यम अगर गर्म हो गया तब तो ये क्या हो जाएगा, रेडिएशन होगा ही नहीं। तो यहाँ से अगर कोई हीट आ रहा है, जैसे सन से आ रहा है, अर्थ के पास आ रहा है, तो सन से जब अर्थ आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे हैं कि रास्ते में उसको मीडियम नहीं मिलते हैं, बहुत सारे मीडियम है ही नहीं, कुछ भी नहीं, वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ से क्या हो रहा है, हीट आ रहा है ना, हीट आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे माध्यम मिला, यहाँ पे अर्थ के आसपास आने से पहले क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंट में क्या है जी, गैस है, फिर भी वो माध्यम को मिला, इसको हीट नहीं करता है, क्या करता है, इसको हीट नहीं करता, डायरेक्ट एनर्जी अर्थ के पास लाता है और क्या करता है यहाँ पे अर्थ को हीट देता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। अब है कि इसमें आपको कहीं कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन जो यहाँ पे कन्वेक्शन चलता है, कन्वेक्शन जो यहाँ पे चलता है, ये हीट आया गर्म होगा इससे जाएगा, यहाँ कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट क्या होता है इसमें होता है, तो रेडिएशन लेकिन हीट नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य और तारों की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुँचना, बोल रहा है सूर्य तारों का ऊष्मा कहाँ तक पहुँचना, पृथ्वी तक पहुँचना, या भट्टी से ऊष्मा का मनुष्य तक पहुँचना, या भट्टी से ऊष्मा तक गया, भट्टी में आप समझ सकते हैं भट्टी कितना दूर है, ना छू रहे ना कुछ ना, ना उसको हम क्या कर रहे हैं, ना कोई मीडियम दे रहे हैं, फिर भी क्या रहती वो हीट क्या हो रहा है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, फैल रहा है। उसके बाद चलिए नोट पढ़ते हैं जी। नोट में बोला है सूर्य से ऊष्मा
पृथ्वी तक पहुंचती है विक्रम विधि द्वारा, जबकि वायुमंडल गर्म होता है वो सम्मोहन विधि द्वारा। देखिए हम बात वही बोल रहे थे, सूर्य से उसमें पृथ्वी तक विक्रम द्वारा पहुंचती है, वायुमंडल गर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सम्मोहन विधि बोलते हैं। धातु के टेबल पर रखी चाय ठंडी हो जाती है, बोला है धातु के, यह है ये क्या है जी, धातु है। अब इस पर क्या है जी, इस पर अगर मान लीजिए क्या है जी, बोल रहा है धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी होती है। अब ये क्या धातु है, तो इसमें क्या है कंडक्शन होगा जी, कंडक्शन होगा। जैसे मान लीजिए हीट है, तो हीट होगा तो क्या होगा, इसका जो हीट है क्या हो जाएगा, इधर मूव करने लगेगा, इधर मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है जी, ये कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, तो मीडियम मिल गया इसको धातु के लिए, तो ये क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ है कि ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, तो लकड़ी है तो क्या है जी, अब इसको मीडियम तो मिला नहीं, क्योंकि लकड़ी क्या होता है कंडक्टर तो होता नहीं है, इस कंडक्शन तो होता नहीं, चालन तो होगा नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका, तो क्या होगा, तो ये ज़्यादा तो ज़्यादा क्या करेगा, हीट इसके आसपास वालों को ही करेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये कम होगा। अब आते हैं वाष्पीकरण, तो ज़रूर होगा, दोनों में वाष्पीकरण होगा। धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है, जबकि लकड़ी पर टेबल पर तुलना में, क्योंकि धातु के टेबल पर चालन सम्मोहन विकिरण वाष्पीकरण होता है। देखिए बोल रहा है कि धातु पर रखें तो इसमें क्या होगा, कंडक्शन हुआ। चलिए जी, सम्मोहन कैसे हो जाएगा, कि जहाँ यहाँ पे मॉलिक्यूल रहेगा एयर में उससे क्या होगा, सम्मोहन होगा, इसमें भी सम्मोहन होगा, इसमें क्या होगा जी, रेडिएशन भी होगा, इसमें भी रेडिएशन होगा, विकिरण होगा, वाष्पीकरण भी होगा, इसमें भी वाष्पीकरण होगा। तो ये प्रोसेस तो कॉमन है, लेकिन ये जो प्रोसेस है एक एक्स्ट्रा हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे चालन हो गया, कंडक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। जबकि टेबल पे रखी में केवल क्या हो रहा है, विकिरण हो रहा है, सम्मोहन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन कंडक्शन नहीं हो रहा, चालन नहीं हो रहा है जी, इसलिए क्या है, ये थोड़ा जल्दी से देरी से ठंडा होगा। हम यहाँ तक समझे क्या क्या है, तीनों में अंतर क्या समझे जी। अब है आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ। देखिए न्यूटन कूलिंग लॉ में क्या है जी, न्यूटन का शीतलन का नियम है जी, न्यूटन का कूलिंग लॉ शीतलन लॉ से ही न्यूमेरिकल बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। और मैं इसको मानता हूँ कि ये टॉपिक जो है बहुत जानदार शानदार होने वाला है जी, क्योंकि आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल कोई कराता नहीं है जी, ये न्यूमेरिकल कोई नहीं कराएगा, और ऐसे ऐसे लॉजिक कराएंगे, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बताएंगे ना कि आपके तुम्हारे दिमाग में पागल हो जाएंगे, क्या क्या 10 फार्मूले 12 फार्मूले ड्राइव कर रखते हैं। मैं एक फार्मूला बताऊंगा, सब पे अप्लीकेबल होगा जी। चलिए, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने पर जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक ज़्यादा समय लगता है जी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी को 60 से 50 डिग्री पर टेम्परेचर 5 मिनट लगा, तो 50 से 40 पे क्या हो जाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा जी। यही बोल रहा है कि पहले जो ठंडा हुआ कम लगेगा, लेकिन जो बाद में ठंडा ज़्यादा होना है उतना ही अगर टेम्परेचर, देखिए इसमें भी 10 कहीं, इसमें भी 10 कहीं, लेकिन ये क्या होगा, 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा। ये किसका नियम था जी, तो न्यूटन का कूलिंग लॉ था। तो न्यूटन का कूलिंग लॉ में, चलिए जी अब बात करते हैं कि मान लीजिए एक इनिशियल स्टेज है जी, मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज। तो वही बोला प्रारंभिक तापमान अगर किसी चीज़ का मान लीजिए Q1 है, दूसरा का तापमान क्या होगा Q2 होगा। मान लीजिए वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का जो तापमान है उसका क्या है जी Q0 है, टी क्या है जी टाइम लगा, के क्या है कॉन्स्टेंट है। तो एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, कौन सा, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो है देखिए यहाँ पे क्या, Q1 माइनस Q2 अपॉन टी बराबर के, Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q0। तो ऐसे समझ सकते हैं न्यूटन का शीतलन का ये नियम है। देखिए हमारा क्या है जी, देखिए जी यहाँ पे बोला है प्रारंभिक तापमान, मान लीजिए यहाँ पे तापमान Q1 था, दूसरा एक स्टेट था Q2 तापमान था जी, ठीक है ना, इसको हम लोग कूलिंग किया जी, कितने समय में कूलिंग किया, तो जो समय यहाँ कूलिंग करने में लगा वो समय लगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है टी। उसके बाद क्या है, की कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है जी, Q0 क्या है, Q0 क्या है जी एटमॉस्फेयर का क्या है जी टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का क्या है जी टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम सभी समझ सकते हैं Q1 Q2 टी के Q1 Q2 Q0 सभी समझ गए, तो सभी वेरिएबल हम समझ गए। तो अब क्या होगा जी, अब न्यूमेरिकल जब दिया जाएगा इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल जब दिया जाएगा, तो हमको इसी फार्मूले का यूज करना है, और हमेशा क्या करना है जी अप्लाई करना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल है जिसमें क्या लिखा है जी, अगर किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री होने में 5 मिनट का लगता है, तो 40 डिग्री से 40 डिग्री होने में कितना समय लगेगा। देखिए जी अब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कूलिंग का, तो चलिए कूलिंग का फॉर्मूला लगाते हैं जी, Q1 माइनस Q2 बाई टी बराबर के Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q0, ठीक है जी। यहाँ से देखिए तो Q1 प्लस Q2 क्या है जी,
हम मान लेते हैं क्यू वन क्या है इसमें, देखिए जी क्यू वन क्या है 60 डिग्री है, क्यू टू क्या है 50 डिग्री हुआ है, ठीक है जी। कितना समय लगा है तो 5 सेकंड लगा है जी। देखिए 60 डिग्री से 50 डिग्री में 5 सेकंड लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्यू वन 60 माइनस क्यू टू क्या 50 बटा कितना जी 5 मिनट बराबर के, क्यू वन प्लस क्यू टू क्या हो जाएगा जी क्यू वन प्लस क्यू टू 110/2 यानी 55 माइनस क्यू नॉट क्या है जी क्यू नॉट यानी एटमोसफेयर का टेम्परेचर मान लेते हैं क्या जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है जी। सब सेंटीग्रेड में लिख रहे हैं इसलिए सेंटीग्रेड में ही लिख देंगे, सबका यूनिट क्या होना चाहिए जी सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, हमको यहाँ से के ना ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 55 40 40 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, तो के की वैल्यू क्या हो गया 1/20। देखिए हमने यहाँ से क्या किया के सॉल्व कर लिया जी, अब देखिए हमने तो के सॉल्व कर दिया, अब दूसरा बोला कि 50 से 40 होने में कितना समय लगेगा, तो 50 से 40 वाला हम निकालिए, तो अब 50 से क्या होना है 40 होना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्यू वन हो जाएगा, मेरा क्यू टू होगा। अब हम के निकाल लिए हैं तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टी बराबर के क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू माइनस क्यू नॉट। देखें कोई कहीं फार्मूला है टी में भी लिखा रहता है, टेम्परेचर की वजह से क्या लिखा रहता है जी टी में भी लिखा रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं, क्यू को टी लिख दीजिए। तो 50 माइनस 40 बट्टा कितना जी टाइम हमको निकालना है कि कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम में क्या हो रहा है ठंडा हो रहा है, के का वैल्यू क्या है जी 1/20, क्यू वन प्लस क्यू टू क्या हो जाएगा भाई 2 45 हो जाएगा माइनस 25। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 10/t 1/20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो टी क्या आ जाएगा जी 10 आ जाएगा, टी कितना आ गया तो 10 मिनट ही आएगा क्योंकि हमने मिनट में रखा था जी। तो हमारा सॉरी गलत हो गया क्या, के का वैल्यू इसने निकाला है 1/15, देखिए कैलकुलेशन हमने गलत काटा, के का वैल्यू हमने सही नहीं निकाला है जी, एक मिनट रुक जाइए फिर से स्टार्ट करते हैं। 60 - 50/5 बराबर के क्यू वन प्लस क्यू टू 55 होगा माइनस क्यू नॉट 25, 25 लेना है ठीक है, तो k बराबर 30 10/5 से 2 से अच्छा जी k बराबर 1/15 रखेंगे। देखिए हमने k का मान गलत निकाला था इसलिए गलत हो गया, चलिए तो k का मान हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 1/15 रखेंगे, चलिए जी तो 1/15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा इधर जाएगा t हो जाएगा, फिर से देखिए जी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, ये 1/15 हो गया है ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 50 - 40 टाइम क्या है जी टाइम तो हमको निकालना है कि 50 से 40 में क्या होगा कितना टाइम लगेगा 1/15 क्या हो जाएगा 45 - 25 ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 10/t 1/15 ये हो जाएगा 20, यहाँ से 0 गया तो टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 15/2, तो कितना मिनट आया जी टी बराबर 15/2 यानी 7.5 मिनट आ जाएगा, क्योंकि हमने मिनट में रखा था तो मिनट में ही आंसर आ गया जी। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, अगर किसी को फिर से कन्फ्यूजन हो तो फिर से सॉल्व कर ले जी, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने के का मान गलत निकाला रहता था इसलिए मैंने क्या किया दोबारा सोल्यूशन किया, वो कैलकुलेशन एरर होता है जी मानते हैं इस बात को और मेरे से हुआ भी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, चलिए जी अब ऊष्मा गतिकी की हमने एक न्यूटन का कूलिंग लॉ पढ़ा था, अब ऊष्मा गतिकी के हम प्रथम नियम पढ़ेंगे जी, जिसमें बोला जा रहा है देखिए ये एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है जिस एक तरह से देखा जाए, तो इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय या सिस्टम की उस ठीक कर मान लीजिए क्यों ऊष्मा दी जाती है तो उसे इस निकाय में दो कार्य होती है जी, या तो उसका आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा या संबाधित बाह्य कार्य में क्या हो जाएगा जी। देखिए हमारे इसको हम क्यू ऊर्जा दिए तो इसको क्या होगा कुछ इसका आंतरिक ऊर्जा में मैंने इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा उसका बाह्य वर्क हो जाएगा, तो हमारा जो इंटरनल वर्क दिए हैं वो क्या हो जाएगा किसके बराबर होता है तो डेल यू यानी इंटरनल यानी आंतरिक ऊर्जा में हो जाएगा और बाह्य कार्य में हो जाएगा जी, दोनों का समेशन क्या हो जाएगा हमको हीट दिया गया ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है जी, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है जी, यहाँ से बोल सकते हैं। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम आता है जी, देखिए ऊष्मा गतिकी का हमने दूसरा नियम पढ़ा, पहला पढ़ा जी टेम्परेचर में हमने जीरो थर्मोडायनेमिक्स से जीरो लॉ पढ़ा था जी, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हमने भी पढ़ रखा है और न्यूटन का कूलिंग लॉ भी हमने पढ़ रखा है, तो ये सब छोटे छोटे मैं टॉपिक अलग अलग हो जा रहे हैं क्लासेज, उसको ध्यान रखिए और अच्छे से बनाइए जी।
तो आपको समझ में आएगा कि पूरा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा गति के क्या दूसरा नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। बोला जा रहा है किसी भी मशीन की दक्षता कितनी 100% कम होती है, तथा ऊष्मा प्रवाह हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान होता है जी। जैसे हमें पता है कि करंट किधर से फ्लो करता है जी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, वैसे ही क्या है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, वैसे ही क्या है जी ऊष्मा क्या होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, कम तापमान से अधिक तापमान में नहीं करता है कभी भी, कभी भी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है जी। बंद कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर द्वारा दरवाज़ा खोल दिया जाए, बोला कि बंद कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर टेम्परेचर एनर्जी क्या हुआ है जी, अगर ये ठंडा हुआ है तो इसका मतलब यहीं एनर्जी कहीं ना तो कहीं गई होगी, तो कमरे के दूसरे भाग में गया होगा, उससे मान क्या होता है बढ़ जाता है जी। रेफ्रिजरेटर में दिया गया विद्युत धारा कंप्रेसर को चलाता है, जो रेफ्रिजरेटर में हम मान लीजिए देते हैं जी विद्युत, क्या देते हैं करंट देते हैं, वो क्या होता है कंप्रेसर को चलाता है, और कंप्रेसर क्या करता है उस एनर्जी को क्या करता है जी यूटिलाइज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता को ऐसे डिनोट करते हैं जी, एक होती ऊष्मा धारिता एक होती विशिष्ट ऊष्मा धारिता, तो अभी हम विशिष्ट ऊष्मा धारिता पढ़ रहे हैं जी। देखिए ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, हम बोल रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता नहीं बोल रहे हैं जी, क्योंकि बार बार लड़कों को कन्फ्यूजन होता है, गुप्त ऊष्मा होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है, ऊष्मा धारिता होती है, तो तीनों को पढ़ेंगे जी। अभी हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जी विशिष्ट ऊष्मा धारिता,